संसद से 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने कहा भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में सिंगरौली कांग्रेस ने ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र द्विवेदी व शहर जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए सिंगरौली कलेक्टर के प्रतिनिधि को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र पर हमला किया है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार मनमाने तरीके से सरकार चला रही है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। युवा बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर सवाल उठाने वाले सांसदों को निलंबित किया जाता है। आज कलेक्टर कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं शहर दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आदरणीय हमारे अध्यक्ष ग्रामीण के ज्ञानेन्द्र द्विवेदी जी के साथ पूरी जिला कांग्रेस सिंगरौली जिले की महाजन मोड़ राजीव चौक से चल के कलेक्ट्रेट गेट पर आकर जो संसद भवन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलोकतांत्रिक लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है, 142 सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया है, जो देश के इतिहास के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है, इसके विरोध में हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल साहब तक जाने के लिए, राष्ट्रपति जी तक जाने के लिए, इसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी सरकार ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। एक तरफ भ्रष्टाचार बेरोजगारी मची हुई है, त्राही त्राही देश का नौजवान युवा कर रहा है, और दूसरे तरफ इन्होंने पूरे समूचे विपक्ष को बाहर करके अलोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाने का काम कर रहे हैं। देश के इतिहास में ये दिवस काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या अभी तक के लोकतंत्र में कभी नहीं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी? मांग पूरी नहीं हुई तो जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का जो दिशा निर्देश होगा, उस निर्देश के अनुसार समूची कांग्रेस सिर्फ सिंगरौली में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सड़कों पर होगी। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन के समूचे घटक दल इसके विरोध में सड़कों पर आएंगे। ये हमारा सांकेतिक आज धरना प्रदर्शन था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।